ये देखो कितनी बारिश पड़ रही है ना, हम आपको आगे भी दिखाते हैं। देखो मौसम बहुत बेकार हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं जो है आटा लेके आ गया। मैं पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि देखो बारिश कितनी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और पता है आज पड़ रही है बारिश, 4 बजे से बारिश पड़ रही है, तो हम आपको दिखाते हैं बारिश, ठीक है? ये देखो कितनी बारिश पड़ रही है ना, हम आपको आगे भी दिखाते हैं। देखो मौसम बहुत बेकार हो रहा है और अभी भी पड़ रही है बारिश, ये देखो है ना। और हम आपको आगे दिखाते हैं पहाड़ कैसे हो रहे हैं, पहाड़ों पे कितनी बारिश पड़ रही है, ठीक है? ये देखो ये जो धुंधला हो रहा है ना, तो यहाँ पे बारिश पड़ रही है, पहाड़ों पे बहुत तेजी से बारिश पड़ रही है। ऐसा हो रहा है यहाँ का उत्तराखंड का सीन। और आप भी बताना कमेंट में कि आपके यहाँ पे कैसा हो रहा है, धूप निकल रही है या बारिश पड़ रही है, ठीक है? हमने पूजा भी कर दी है, पापा जी को प्रणाम करो जल्दी जल्दी, और अब हम मिलते हैं आपको आगे, ठीक है? अब हम नाश्ता करेंगे, कच्चे किचन में आ गए हम, आग के पास बैठ रहे हाथ सेक रहे हैं। तो अब हम नाश्ता दिखाते हैं आपको क्या है नाश्ते में, ठीक है? देखो ये हमारे नाश्ता, आलू और रोटी और चाय। और ये देखो यहाँ पे ये सिस्टर ना, हाय फ्रेंड्स, भुजी बना रहे मेथी की भुजी बना रहे ना हमारे, बहुत टेस्टी होती है ये, तो ये काट रही है। तो बताना कैसे कैसे बनती है ये अभी हम इसमें रख दिया, हमने काट के देखा, और इसको भगोने को हम आग में चूल्हे में रख देंगे, और फिर उसके बाद हम ये आलू डाल देंगे बीच में, फिर डाल देंगे दाल और हरी मिर्च, फिर दोबारा से ऊपर से काट के फिर डालेंगे, तब हमारी भुजी बहुत टेस्टी बनती है। फिर इसको ना फ्राई करना है, जब बन जाएगी ना तो फिर इसको ना तेल डाल के अच्छे से फ्राई करना है अच्छे से, है ना? तो ऐसी बना के देखना आप भी, चावल की रोटी से, गेहूं की रोटी से, मक्की की रोटी से, जिससे भी आप खा सकते हो। हमने मेथी में ये पालक मिक्स है, और ये मेथी है हमारी, और ये सोया है, इसको सोया बोलते हैं। हाँ, और पता है अगर आप ऐसे बना के भी देखोगे ना, और एक बार बना लेना आपने, तो याद करोगे हमें कि हाँ वर्षा ने क्या ट्रिक बताई थी। चूल्हे में बना रहे हैं, और इस भगोने में एक देसी खाना, गांव के लोग कैसे बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना लगता है चूल्हे का, ठीक है? अब मिलते हैं हम आपको आगे। हमारा नाश्ता भी हो गया है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि हमारे नाश्ते में क्या है आज, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नाश्ते के बर्तन थे वो धुलेंगे, है ना? और मार्केट का तो आज कुछ काम ही नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो गीला हो रहा है, क्या जाना खेत में, है ना? तो इसलिए ना इसका तो पैसे भी मन नहीं करता काम करने का, कुछ सूखा रहता है, जब तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल में जाती हूँ, गीले में क्या जाऊंगी मैं, है ना? और अब हम बर्तन धुलते हैं नाश्ते के, है ना? फिर हम आज मैंने बोला जब तू खेत में नहीं जा रही, जब नाश्ते के बर्तन धो, हाँ, तो रोने लग गई कि मैं नहीं धोऊंगी बर्तन के, कुछ कर लेकर काम, वही है ना, घर में रहो तो यार ये चैन नहीं लेने देते मुझे। अच्छा। और मैं ये कर ले वो कर ले, काम कर ले ये कर ले वो कर ले, ऐसे करते रहेंगे। मैं बताओ ना फ्रेंड्स, घर में बैठे बैठे ना पैर हाथ जाम हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ काम करती रहे घर। अरे अगर जर लग गया तो हाथों पैरों में, एक दिन में बड़ा जर लगता होगा। अच्छा, एक दिन, एक तुझे दिन ना काम बता दो तो बैठी रहेगी, एक दिन नहीं पता है 10 दिन में बैठेंगे ना तब भी जर नहीं लगेगा, ऐसे हाथ पैर है मेरे। हाँ अच्छा, और है ना, अब हम बर्तन धुलते हैं, ठीक है? हम मिलेंगे आपको आगे। ये देखो अब हम नाश्ते के बर्तन धुलेंगे, हम मिलेंगे आपको बर्तन धुलने के बाद। ये देखो हमने नाश्ते के बर्तन धुल दिए हैं, देखो है ना, और अब हम मिलते हैं आपको आगे, ठीक है? ये देखो कितनी बारिश पड़ रही है, राम राम राम। ये देखो ऊपर तक नीचे तक, देखो यहाँ पे हमारी रोटी बन रही है, चावल की रोटी। देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं अब, ठीक है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सैनी ब्रदर एंड सिस्टर व्लॉग चैनल के अंदर। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज कि मैं अब जो ये सैनी ब्रदर एंड सिस्टर वाला जो चैनल है, तो इसमें वर्षा के साथ मैं भी व्लॉगिंग किया करूँगा, और अब आप मुझे और वर्षा दोनों को देख पाया करोगे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि मैं समय नहीं दे पा रहा था इस व्लॉग के लिए, इस चैनल के लिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मोहित सैनी मोटिवेशनल वीडियो, तो मैं उस चैनल में अपना जो बिज़ी रहता था, और बाकी मैं ऑनलाइन जो है ऑनलाइन और भी मार्केटिंग वगैरह का वर्क करता हूँ, तो मैं उसी में बिज़ी रहता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं इसमें भी आपको व्लॉगिंग आपके साथ में किया करूँगा, दिखाया करूँगा। तो आपको जो है अब और अच्छे से कंटेंट मिलने वाले हैं आने वाले समय में, अच्छी अच्छी जगह पर आपको मैं ले जाया करूँगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं देखो अभी सो के तो मैं 6 बजे उठ गया था बिस्तर में, लेकिन बिस्तर में ही था, बाहर नहीं निकला था। एक तो ठंड भी बहुत है, और दूसरी बात मैं अपना जो है वीडियो वगैरह अपलोड वगैरह ये सब चीज़ें कर रहा था। तो अभी मैं बिस्तर से फाइनली बाहर निकला हूँ, अभी मैं फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, और अभी मुझे जो है आटा उठाने जाना पड़ रहा है। मम्मी ने मतलब कल पापा आटा वगैरह चावल गेहूँ पिसवाने लेके गए थे, तो वो गेहूँ पिस चुके हैं और वो उठाने में जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ कि मैं, ये देखिए मेरी बाइक खड़ी है पीछे, तो उसके उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली मैं जो है आटा लेके आ गया, मैं पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि देखो बारिश कितनी पड़ रही है, आप देख सकते हो है ना, बारिश पड़ रही थी बहुत। मेरे बाल देखे आप, पूरे भीग गया मैं इतनी सी देर में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था, 500 मीटर दूर होगा, और देख लो मैं कितना भीग गया यहाँ पे ना। तो मैं फिर वीडियो भी नहीं बना पाया बाइक पे, क्योंकि जो मेरा स्टैंड है वो लोकेशन स्टैंड है और उस पर कैमरा सेट नहीं हुआ ढंग से ना, तो वो वीडियो नहीं बना पाया मैं। और अभी मैंने गाड़ी खड़ी की है, बाल साफ़ किए हैं, तो अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं नाश्ता करूँगा, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो वर्षा मुझे अब जो है खाना करके दे रही है, मतलब नाश्ता दे रही है, क्योंकि अभी नाश्ता करानी है मैंने। और ये सीमा चाय देके चली गई है अभी मुझे, तो वो अभी उसका भी चैनल है, एक कुकिंग चैनल करके उसका है कि सीमा सैनी विलेज कुकिंग, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो वो अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने गई है ना। अब वर्षा को मैं बोल रहा हूँ, ये मान नहीं रही, सुन नहीं रही थी, तब ये अब मेरे को नाश्ता दे रही है ना। तो चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ते में आज क्या मिलने वाला है, मुझे भी नहीं पता क्या देंगे ये, तो चलिए अब देखते हैं क्या बनता है, क्या मिलता है। तो बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। देखिए सीमा भी आ चुकी है, वो पता नहीं क्या देने आई है, और वर्षा मेरे लिए ला रही है नाश्ता, तो देखते हैं आज क्या है नाश्ते में। तो ये है आलू की सब्जी है ना, ये आलू की सब्जी जो है इन्होंने शाम में बनाई थी, और ये रोटी है चावल की, तो ये अभी सुबह में जो है वो बन रही है लंच के लिए। आज मेथी आलू की भुजी बन रही है, तो वो अभी मम्मी उधर चूल्हे पे बना रही है दूसरी तरफ, तो जो है अभी फ़िलहाल मुझे इसी से खाना पड़ेगा। खैर मुझे बहुत पसंद है आलू टमाटर की सब्जी है ना, और बाकी लंच में देखते हैं, वही खाने को आज बनाया जा रहा है तो वही देखते हैं। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो है नाश्ता भी कर लिया है ना, और अब जो है वो सीमा वर्षा जो है उस समय बाहर में पानी पुनी भर रहे हैं, देखो वो रे दोनों के दोनों। और मैं जो है अब मुझे वही काम करना है अपना, जो मैं जिसमें मैं लगा हुआ था सुबह से, थोड़ा सा कुछ हुआ वो रह गया मेरा, तो वो अभी करना कम्प्लीट है, वो रह चुका है, उसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा। तो मैं अब दोबारा से फ़ोन में लग रहा हूँ, फ़ोन में ही काम कुछ मुझे करना है, ठीक है। तो अभी बारिश भी है, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, उधर भी जाना था मुझे, जिधर मम्मी और पापा बैठे हुए हैं उधर चूल्हे के आगे, उधर जाना था, लेकिन वही है बाहर बारिश बहुत हो रही है, तो अब मैं यही बिस्तर पे चारपाई पे लेट के अपना वर्क करता हूँ, और फिर मिलेंगे आगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हमारा लंच भी हो गया है, और पता है सुबह तो बारिश पड़ रही थी ना, पिन पिन पिन, मतलब बारिश पड़ रही थी, ठंडा हो रहा था, लेकिन अब पता है इतनी अच्छी धूप निकल गई है ना, हम आपको अभी दिखाते हैं, बहुत अच्छी धूप निकल गई है, और हवा ना इतनी तेज चल रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, और हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, और पहाड़ भी दिखाते हैं हम, कितने साफ दिख रहे, ठीक है। हाँ ये देखो कितनी हवा चल रही है ना, गेहूं कैसे लहरा रहे हैं, वाह कितनी प्यारी खेती लग रही है ना गेहूं की, हरी हरी। और ये देखो ये पेड़ कैसे हो गए ना, सब चहक गए अब है ना, धूप निकली ना तो सब चहक गए, पक्षी भी इंसान भी पेड़ भी सब बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। ये देखो पहाड़ है ना, और
ये देखो कैसे हवा चल रही है, धूप भी निकल गई है, लेकिन हवा ये हवा जो चल रही है ना, ये बहुत ठंडी हवा है, ठंड लग रही है इसमें हवा में ना। तो अब हम मिलते हैं आपको आगे, और हमने अपना उत्तराखंड का नज़ारा दिखा दिया है कि कैसा मौसम हो रहा है। अब बारिश पड़ रही है, धूप निकल रही है, और ये देखो बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, धूप भले सी निकल गई, सूरज मौसम भले से आगे निकल गया, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हम यहाँ पे अपने कच्चे किचन में आ गए हैं आग सेकने के लिए। तो आप भी जल्दी जल्दी आइए, जिसे जिसे आग सेकनी है, जिसके यहाँ पे ठंड हो रही है ना। ये देखो कितनी अच्छी आग जल रही है ना, कितनी प्यारी आग जल रही है। तो हम मिलते हैं आपको आगे। तो अब होगी है शाम, यानी शाम के बज चुके हैं 6:30। अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए, पूजा का टाइम हो गया है। ये देखो अब हम चलते हैं ना बाबा जी के दर्शन करने के लिए, प्रणाम करो बाबा जी को, शाम हो गई है ना, इसलिए नहीं, पूरे दिन प्रणाम करो। तो अब हम मिलते हैं आपको पूजा करने के बाद, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमने पूजा भी कर दी है। फ्रेंड्स हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके बगल में बेल आइकन भी है उसे भी दबा देना फ्रेंड्स, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और शेयर भी करना, कमेंट भी करना। और फ्रेंड्स आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।